यूपी के हाथरस विखे एक दलित लड़की की समूहिक जबर जनाह तो बाद हुई मौत तो बाद दलित भाईचारे में काफ़ी रोस पाया जा रहा है। समूहिक जबर जनाह के दोषियों को गिरफ्तार करने सख्त तो सख्त सज़ा दिवाने की मांग को लेकर लुधियाना विखे दलित भाईचारे वालों यूपी सरकार खिलाफ़ रोस प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तकरीबन एक घंटा भारत नगर चौंक जाम किया। इस मौके भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ श्राइन बोर्ड के मैंबर सुरेंद्र कल्याण ने दोष लगाया कि यूपी सरकार इस मामले में दोषियों को काबू करने में असफल रही है, जिस कारण लोगों में भाजपा प्रति रोस है। अजे प्रदर्शन इसे गुस्से कारण होया है। उन्होंने यूपी सरकार को सख्त चेतावनी देंदिया कहा कि जेकर दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई ना की गई तो संघर्ष को होर भी तेज किया जाएगा। अज बहन मनीषा के लिए पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा, जिते भारत बंद की कॉल आई सी, कैंडल मार्च भी आई सी, अलग अलग संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतने भी समूह जथेबंदियां अपने अपने जथेबंदियों लैके गवर्नमेंट बीजेपी के खिलाफ, यूपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो आदित्यनाथ के सीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। जेकर कातलों फांसी नहीं चढ़ाया गया तो ये प्रोटेस्ट इस तरीके होंदे रहेंगे। जिस तरह दो पिछे आप संविधान नाल छेड़छाड़ की सी 2 अप्रैल 2018 विच, ते पूरा वाल्मीकि समाज दलित समाज रोड के उत्तर आया सी। बहन मनीषा वास्ते भी पूरा देश वाल्मीकि समाज दलित समाज रोड के उत्तर आऊगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा प्रोटेस्ट करांगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अगली रणनीति की रहेगी तुहाडी? अगली सारी जत्थेबंदी जो तय करेगी रणनीति, और रणनीति तय रहेगी। देश दुनिया ते कोरोना महामारी का असर, इस जरूरी है कि तुहानू मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर। अजीत वेब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर। पिंड कस्बा शहर होवे या देश विदेश, असी जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राही। कलम दी ताकत ते वेब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज। हर आमो खास ते हकूमत नूं भी करांगे सवाल जवाब। आप नहीं तां पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल। अफवाहां तों बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वेब टीवी दे नाल।